Hey! यार आपके साथ मैं और रोहित कुमार आप न्यूज़ फाउंडेशन पर हैं। अचानक से मौसम ने करवट बदली तो ये करवट जो है पटना के लिए एक तरफ जहां राहत लेकर के आई तो दूसरी तरफ पटना वासियों के लिए आफत भी बनकर आ गई है। पटना के कई इलाकों में एक तरफ जहां बिजली जो है गुल है और वो घंटों तक गुल रहने का इसका अंदाज जो है अनुमान लगाया गया है तो दूसरी तरफ पटना और आसपास के कई इलाकों में जो है विशालकाय पेड़ इस अचानक से मौसम में आए बदलाव जिसकी वजह से तूफान जैसी हालत पैदा हुए उसमें ये पेड़ धराशायी हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं पटना के गांधी मैदान की पास की जहां पर जिलाधिकारी आवास के ठीक बाहर एक विशालकाय जो पेड़ है वो अचानक से तेज हवाओं में गिर गया है जिसकी वजह से वहां पर पूरे इलाके को जो है आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और वहां पर बचाव का कार्य किया जा रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जब ये पेड़ गिरा तो उसकी चपेट में वहां पर एक जूस दुकानदार जो है वो भी आते आते बचा। हालांकि गनीमत ये रही कि जूस दुकानदार तो बच गया लेकिन उसका जो उसकी दुकान थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। तस्वीरें पटना की डीएम आवास के ठीक बाहर की जहां पर एक विशालकाय जो पेड़ है वो तेज हवाओं में जो है वो धराशायी हो गया है। बता दें कि पटना के कई दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके से पेड़ बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके गिरने की खबर सामने आई है। पटना के पीएनटी कॉलोनी पटना के हार्डिंग रोड जैसे इलाकों में भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह से पटना मध्य और जो पटना पूर्व मध्य का हिस्सा है उन इलाकों में जो है पूरी तरीके से बिजली जो है एक तरीके से कट गई है क्योंकि पेड़ गिरने की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वहां पर बिजली को रिस्टोर नहीं किया जा सका है। तो बड़ी खबर है पटना से जहां पर अचानक से जहां पारा 45 से 47 डिग्री के आसपास बिहार के कई जिलों में बना हुआ था गर्मी से लोग बेहाल थे तो लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है लेकिन इस राहत के साथ साथ पटना के कई इलाकों में बिजली गुल होने से अब नई मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई क्योंकि बारिश के बाद जो गर्मी है वो उमस भरी हो गई है। बता दें कि पटना में सुबह से ही काफ़ी तेज़ गर्मी जो है वो दिखने को मिल रही थी। जो तापमान था वो बहुत ज़्यादा था। पटना का जो अधिकतम तापमान था वो करीब 45 डिग्री के आसपास था आज का और अचानक से आई तेज़ हवाओं और जो हल्की बारिश हुई उसकी वजह से मौसम तो ठंडा हुआ है लेकिन जिस तरीके से पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं उसके बाद कई इलाकों में जो है यातायात को रोका गया है। कई जगहों पर बिजली बाधित हुई है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ इस तूफान का बड़ा असर जो है वो लीची और आम की फसलों पर भी हुआ है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर भारी फसलों को क्षति हुई है इस जो कहें कि जो अच्छा बेमौसम जो बारिश है उसमें और जिस तरीके से तेज़ हवाएं चली इसकी वजह से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।